पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर बाली से है। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। G20 में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे हैं पीएम मोदी। आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस बीच पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। बातचीत के बाद पीएम मोदी और जो बाइडेन खूब खुलकर हंसे हैं और पीएम मोदी और जो बाइडेन दोनों नेता काफी देर तक एक दूसरे से चर्चा करते हुए भी नजर आए। आप देख सकते हैं G20 शिखर सम्मेलन इसीलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडोनेशिया के बाद अगले एक साल के लिए भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। इसी से जुड़ी हुई है। G20 की बैठक के पहले सत्र में पीएम मोदी ने उठाया रूस यूक्रेन का मुद्दा। पीएम मोदी ने यह कहा, यूएन जैसी संस्थाएं यूक्रेन युद्ध रोकने में विफल रही, दुनिया को G20 सम्मेलन से उम्मीद है। पीएम मोदी बोले, कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध ने विश्व में तबाही मचाई है, हमें युद्ध विराम का रास्ता खोजना ही होगा। पिछली सदी में विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया था जिसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का रास्ता अपनाने का गंभीर प्रयास किया और अब हमारी बारी है। दिल्ली आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर आज से ताबड़तोड़ प्रचार का दौर शुरू। आज से आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करने जा रही है। आप नेता एमसीडी पार्कों में जाएंगे और पार्कों की स्थिति पर पोल खोल अभियान चलाएंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं बीजेपी दोपहर 1 बजे अपनी थीम सॉन्ग लॉन्च करेगी। मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े संभावित हादसे को नाकाम कर दिया है। जम्मू के सतवारी थाने में फलिया मंडल पुलिस चौकी के पास एक संदिग्ध बैग मिला। बैग से टाइमर के साथ 2 IED बरामद किए गए हैं। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड टीम में दोनों IED को डिफ्यूज कर दिया है जिससे कि संभावित रूप से बड़ा हादसा टल गया है और जिस क्षेत्र से IED मिला वहां से सैन्य छावनी की दूसरी करीब आधा किलोमीटर दूरी है और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की ड्रोन से हथियार गिराने के एंगल से भी जांच कर रही हैं। अब आगे इस वक्त की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आज गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ की अनुपलब्धता की वजह से सोमवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। मुख्य न्यायाधीश कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की पीठ ने इस हादसे पर 7 नवम्बर को राज्य सरकार और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी करने के साथ साथ स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी थी। आगे बढ़ते हैं और 6वीं ब्रेकिंग न्यूज पर अब नजर डालते हैं। आज झारखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस है। झारखंड की राजधानी रांची में इस मौके पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य की जनता के लिए कई सौगातों की बरसात करेंगे। सीएम सोरेन शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे तो वहीं किसानों के लिए ऐप और पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज झारखंड में होंगी। 7वीं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़ा आयोजन करने की तैयारी की है। आज मध्य प्रदेश के शहडोल के लालपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रदेश सरकार जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश में पेशा अधिनियम लागू करने जा रही है। आगे मुंबई की लड़की श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा के दोस्तों ने आफताब से उसके रिश्तों को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। श्रद्धा के बचपन के दोस्त के मुताबिक एक बार श्रद्धा ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कहा कि मुझे यहां से बचा लो, अगर मैं यहां रात भर रही तो आफताब मुझे मार डालेगा। वहीं जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है। हत्या के बाद आफताब एकदम आराम से रहता रहा। साथ ही हत्या के 20 से 25 दिन बाद डेटिंग ऐप से आफताब ने एक और नई लड़की को घर पर बुलाया था। आगे बढ़ते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दुनिया की आबादी आज 8 अरब हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि आज देश की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। 2030 तक वैश्विक आबादी करीब 8.5 अरब पहुंच जाएगी। यूएन ने 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 9.7 अरब और 2100 तक 10.4 अरब करने की गणना भी की है और यूएन की रिपोर्ट में मानव की औसत आयु को लेकर दावा यह किया गया है कि वर्तमान में ये 72 वर्ष हो चुकी है जो कि 1990 के मुकाबले 2019 तक 9 साल बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि के लिहाज से भारत चीन को इस साल पिछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट पर दावा यह किया गया है कि भारत चीन को लेकर यह बात कही जा रही है। आगे बढ़ते इस वक्त की 10वीं बड़ी खबर। हंतियाल जिले में एक पहाड़ी ढलान पर पत्थर की खदान ढह गई। हादसे में 15 से 20 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। यह घटना तब हुई जब सभी मजदूर लंच खत्म कर लौट रहे थे लेकिन काम शुरू करने से पहले अचानक से खदान ढह गई और कई मजदूर मलबे में दब गए। अधिकारियों के मुताबिक मलबे को साफ करने में अभी समय लगने वाला है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज़।